हेलो क्लास एट, हाउ आर यू? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। कंप्यूटर में हमारा चैप्टर सेकंड चल रहा था, जिसमें मैंने पिछले वीडियो में आपको एक्सेल विंडो कंपोनेंट्स के बारे में बताया था। आज हम लोग टेबल इन एमएस एक्सेस पढ़ेंगे, तो चलिए देखते हैं। टेबल टेबल आप जानते हैं, टेबल क्या होता है? टेबल होता है रो एंड कॉम्बिनेशन, रो एंड कॉलम का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। जैसे टेबल अगर हम बनाएंगे, देखते हैं टेबल, तो इस तरह से टेबल बनाते हैं। मैंने पहले भी बताया आपको, इसमें ये रोज होते हैं और ये कॉलम, ठीक है। तो टेबल क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ रो एंड कॉलम्स, ठीक है। इसमें क्या है आपको मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, करना है इसमें। तो इसमें है आपके डेटाबेस इज बिल्ट अप ऑन टेबल एंड आर यूज टू स्टोर डेटा। ये किस लिए होता है? ये बनाया किस लिए आता है? डेटा को स्टोर करने के लिए, ठीक है। कुछ भी आप यहाँ पर स्टोर कर सकते हैं, ठीक है, कुछ भी रख सकते हैं आप किसी भी डेटा को स्टोर करने के लिए, ठीक। उसके बाद अ टेबल कंसिस्ट ऑफ रो एंड कॉलम। टेबल में क्या क्या होता है हमारा? कॉलम होता है और ये रोज होते हैं, ठीक है। रोज और कॉलम का कॉम्बिनेशन होता है टेबल, ठीक है। देयर कैन बी वन और मोर टेबल इन डेटाबेस। डेटाबेस में एक या एक से अधिक टेबल हो सकते हैं, ठीक है। तो डेटाबेस, क्योंकि डेटाबेस बहुत बड़ा होता है, तो उसमें कई टेबल हो सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ डेटा, ठीक है। क्या कंपोनेंट्स ऑफ डेटा? कंपोनेंट्स ऑफ डेटा, ये क्या होता है इसको देखिए। डेटा से आप लोग परिचित हैं, पहले से जानते हैं डेटा क्या होता है। अब इसका कंपोनेंट ऑफ डेटा क्या है? द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ अ टेबल आर फील्ड और एट्रीब्यूट। क्या है? फील्ड और एट्रीब्यूट। फील्ड क्या होता है और या तो एट्रीब्यूट क्या होता है? तो देखिए, फील्ड और एट्रीब्यूट आर एक्चुअली कॉलम इन अ टेबल। किसको? टेबल के कॉलम को ही हम लोग क्या बोलते हैं? फील्ड या एट्रीब्यूट, ठीक है। टेबल के कॉलम को हम लोग क्या बोलते हैं? फील्ड या एट्रीब्यूट, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं इसमें। A named unit of information is known as field. A named unit of information, किसी भी information किस नाम से जाना जाता है? Field. One type of information about type that object or field is stored by a field. ठीक है, एक ही तरह की जो information होती है वो एक field में store होता है, ठीक। एक तरह की information एक field में store होता है, ठीक। All field have a data type. They are determined what kinds of information can be stored under it. ठीक है, तो इसके डेटा टाइप्स होते हैं, फील्ड के डेटा टाइप्स होते हैं। अब डेटा टाइप क्या होता है हम लोग आगे देखेंगे, चलिए बढ़ते हैं। इसमें क्या क्या होते हैं उसे कंपोनेंट को हम लोग देखते हैं। फील्ड इन डेटा टाइप, डेटा टाइप क्या होता है? फील्ड इन डेटा, फील्ड डेटा टाइप। डेटा टाइप होता है डेटा का टाइप, फील्ड में डेटा का टाइप, ठीक है। ये होता क्या है? इसमें आपके बुक में बहुत से डेटा टाइप दिए हुए हैं और उनके डिस्क्रिप्शन भी दिए हुए हैं। होता क्या है, करता क्या? पहला हमारा है टेक्स्ट। क्या है? टेक्स्ट। टेक्स्ट यानी टेक्स्ट डेटा टाइप है। इसके होता क्या है? टेक्स्ट डेटा टाइप फील्ड कैन स्टोर टेक्स्ट और कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्स्ट एंड नंबर
255 कैरेक्टर्स कैन बी इन अ फील्ड ऑफ दिस टाइप, यानी 255 कैरेक्टर तक ले सकता है हमारा क्या ये डेटा टाइप, ठीक है। टेक्स्ट और रहेगा उसमें या नंबर, और टेक्स्ट या नंबर का दोनों का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है या टेक्स्ट हो सकता है, तो कितना रहेगा इसमें 255 कैरेक्टर, ठीक है, ले सकता है, इसको हम लोग बोलते हैं टेक्स्ट डेटा टाइप, ठीक है। अब हमारा दूसरा है मीमो, ठीक है। अब मीमो क्या होता है, देखिए द मीमो डेटा टाइप फील्ड आर एबल टू स्टोर लेंथी टेक्स्ट अप 265536 कैरेक्टर्स, दिस कैन बी यूज्ड टू स्टोर डिटेल इंफॉर्मेशन फॉर एग्जांपल द पेज ऑफ अ बुक, ठीक है। तो पहला वाला हमारा कितना स्टोर करता था 255, ये कितना स्टोर करता है 65536, यानी ये पहले डेटा टाइप से क्या है, ये बिग है, बड़ा है, ठीक है, इसमें ज़्यादा स्टोर किया जा सकता है, जो टेक्स्ट के टेक्स्ट से ज़्यादा है यहाँ पर स्टोर किया जाता है, ठीक है। डिटेल इंफॉर्मेशन के लिए इस डेटा टाइप का यूज़ किया जाता है, इट इज कॉल्ड मीमो डेटा टाइप, ठीक है। आप हम लोग आगे बढ़ते हैं, नंबर, नंबर नाम से ही मालूम चल रहा है दिस टाइप ऑफ फील्ड इज यूज टू स्टोर नंबर, इसमें क्या होता है नंबर डेटा टाइप में, नंबर डेटा टाइप में हमारे क्या होते हैं, इसमें हम लोग नंबर्स को स्टोर करते हैं, ठीक है, इसमें हम लोग क्या करते हैं नंबर को स्टोर, इसको बोला जाता है नंबर, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं नंबर डेटा टाइप, इसमें नंबर्स को स्टोर किया जाता है। इसके आगे बढ़ते हैं डेट एंड टाइम, नाम से ही मालूम है कि इसको डेट एंड टाइप डेटा टाइप को स्टोर करने के लिए इसको किया जाता है यूज, डेट एंड टाइम वैल्यूज कैन बी स्टोर्ड यूजिंग द डेटा दिस डेटा टाइप, यानी डेट एंड टाइप के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं डेट एंड टाइप डेटा टाइप, ठीक है। करेंसी, किसी भी तरह से करेंसी के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं ये डेटा टाइप होता है, देखिए करेंसी का, यानी करेंसी जैसे कि रुपीज़ होता है, डॉलर होता है, पाउंड होता है, ठीक है। तो अलग अलग तरह से जो डेटा टाइप है उसके लिए करेंसी टाइप के लिए ये करेंसी डेटा टाइप यूज किया जाता है। करेंसी वैल्यूज कैन बी स्टोर्ड यूजिंग दिस टाइप्स ऑफ फील्ड आल्सो दे कैन डिस्प्ले देम डिफरेंट फॉर्म, अलग अलग तरह से, ठीक है। ऑटो नंबर क्या है, ऑटो नंबर जो नंबर अपने आप इंक्रीज करता है उसके लिए स्पेस चाहिए हमें, तो उसके लिए ये टाइप होता है, ठीक है। इंटीजर दैट आर इंक्रीमेंटेड, इंटीजर टाइप जो होते हैं वो ऑटोमेटिक जो इंक्रीमेंटेड होते हैं यानी बढ़ते हैं ऑटोमेटिकली व्हेन अ न्यू रो और रिकॉर्ड इज एडेड टू अ टेबल कैन बी स्टोर्ड यूजिंग दिस टाइप ऑफ फील्ड, यानी जब हम इंटीजर टाइप डेटा टाइप जो ऑटोमेटिकली क्या होता है इंक्रीज होता है तो उसके लिए टेबल में स्टोर करने के लिए प्लेस चाहिए, तो इसके लिए हम लोग ऑटो नंबर यूज करते हैं, ठीक है। अब इसके आगे हमारा है एस और नो, एस और नो, ये क्या है, इसमें ऑप्शनल रहता है, यानी एक या तो एस होगा या तो नो होगा, या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा, ठीक है। तो ये डेटा टाइप इसमें यूज किया जाता है, इसमें क्या है देख लीजिए, ओनली वन ऑफ द टू पॉसिबल वैल्यूज सच एज एस और नॉट टू ऑफ फॉल्स कैन बी स्टोर्ड यूजिंग दिस डेटा टाइप के, यानी दो में से एक सही होता है एस और नो या टू एंड फॉल्स, तो उस टाइप के डेटा के लिए हम लोग ये डेटा टाइप यूज करते हैं, ठीक है, एस और नो या टू एंड फॉल्स। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद वैली ऑब्जेक्ट वर्ड डॉक्यूमेंट एंड एक्सेल फाइल कैन बी स्टोर यूजिंग दिस टाइप ऑफ फील्ड, यानी जो एमएस वर्ड से रिलेटेड फाइल है और एमएस एक्सेल से रिलेटेड फाइल है वो कहाँ पर स्टोर होते हैं, इस टाइप को वैली जो ऑब्जेक्ट है उसमें स्टोर होते हैं। इसके आगे है आपका हाइपरलिंक, ये मेन है, पढ़ चुके होंगे आप इसको हाइपरलिंक, ठीक है, इसको आप लोगों ने पढ़ा होगा हाइपरलिंक। लिंक्स टू वेबसाइट और ईमेल एड्रेस कैन बी स्टोर्ड यूजिंग दिस टाइप ऑफ फील्ड, क्या करते हैं इसमें वेबसाइट, वेबसाइट जो इंटरनेट से है
रिलेटेड है, लिंक टू वेबसाइट और ईमेल एड्रेस कैन बी स्टोर्ड यूजिंग दिस टाइप ऑफ पेज। यानी सिक्स पेज को क्या करते हैं, ईमेल एड्रेस या वेबसाइट या ईमेल एड्रेस को स्टोर करने के लिए ये हाइपरलिंक होता है, यानी लिंक होता है, इससे एक से दूसरा पेज ओपन हो जाता है, ठीक है, दूसरे से तीसरे ऐसे करके ओपन होता है, चौथा पांचवा, तीसरे से चौथे, चौथे से पांचवे, पांचवे से छठे, ऐसे करके ये यूज होता है। आगे बढ़ते हैं, अटैचमेंट। अटैचमेंट क्या है, मल्टीपल फाइल कैन बी अटैच पर रिकॉर्ड फॉर पेज ऑफ दिस टाइप। इसमें क्या होता है, मल्टीपल फाइल, मल्टीपल मतलब कई फाइल, कई फाइलें क्या होता है, कैन बी अटैच पर रिकॉर्ड अपने रिकॉर्ड के अनुसार फॉर पेज ऑफ दिस टाइप। तो मल्टीपल फाइल के लिए हम लोग ये यूज करते हैं, ठीक है, अटैचमेंट अटैच कर। कैलकुलेटेड, ठीक है, कैलकुलेटेड क्या होता है, कैलकुलेटेड डेटा टाइप, दिस टाइप ऑफ फील्ड कैन स्टोर रिजल्ट, क्या स्टोर करता है ये, रिजल्ट, ठीक है, ऑफ कैलकुलेशन, कैलकुलेशन का रिजल्ट, बट द कैलकुलेशन मस्ट रिफर टू अदर फील्ड इन द सेम टेबल। पर वो जो कैलकुलेशन रहता है वो आगे जब जाता है तो क्या होता है, अदर फील्ड इन द सेम टेबल, उसी सेम टेबल में ये स्टोर होगा, ठीक है, मतलब कैलकुलेशन के रिजल्ट के लिए हम लोग ये कैलकुलेटर डेटा टाइप यूज करते हैं। इसको आप लोग वीडियो देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, अगर आप लोग इसको समझेंगे नहीं तो ये समझ में जल्दी नहीं आता है, ठीक है, क्योंकि एम एस एक्सेस आपको पढ़ रहे हैं आप लोग, ठीक है, प्रैक्टिकल करेंगे तो ये और अच्छी तरह से समझ में आएगा। इसके बाद हमारा डेटा टाइप है फास्ट मेथड, आपके बुक में लुकअप मेथड, लुकअप मेथड That display a set of values can be created using this method. क्या करते हैं, set of values can be created कर सकते हैं इसमें using this method. ठीक है, इसलिए लुकअप इसका कुछ ज्यादा है। तो आगे हम लोग पढ़ते हैं, ये हफ्ता आपका डेटा टाइप आपके बुक में है, इसको आप लोग देखिएगा बुक से। फिर इसके बाद हमारा रिकॉर्ड, रिकॉर्ड देखते हैं क्या, रिकॉर्ड, रिकॉर्ड नाम से ही लग रहा है, रिकॉर्ड अ रो इन अ नंबर टेबल, रिकॉर्ड क्या है, टेबल की रो, ठीक है, टेबल की रो, टेबल क्या है, रो और कॉलम की कॉम्बिनेशन टेबल है, तो उसमें रोज क्या है, रिकॉर्ड, ठीक है, रिकॉर्ड आर रोज, रोज इन अ टेबल, द रो इज यूज टू स्टोर कंप्लीट इंफॉर्मेशन, ठीक है, रो में क्या है, होता है इंफॉर्मेशन होता है, ठीक है, स्टोर होता है अबाउट एन ऑब्जेक्ट और आइटम, किसी ऑब्जेक्ट के या आइटम का जो इंफॉर्मेशन होता है वो किसमें रिकॉर्ड होता है, रोज में, तो रिकॉर्ड रोज में ये रिकॉर्ड होता है, ठीक है। अब इसमें इसके बाद है आपका प्राइमरी की, प्राइमरी कीज, प्राइमरी की क्या है, प्राइमरी दिस इज फील्ड और कॉम्बिनेशन ऑफ फील्ड, ये क्या है, एक फील्ड है, ठीक है, ये क्या है, फील्ड है, ठीक है, और या तो कॉम्बिनेशन ऑफ फील्ड, एक फील्ड है या फील्डों का कॉम्बिनेशन है, ठीक है, दैट आर यूज टू यूनिकली आइडेंटिफाई रिकॉर्ड, जो कि क्या करता है, यूनिकली क्या करता है, आइडेंटिफाई करता है किसको, रिकॉर्ड को, इन अ टेबल, टेबल के अंदर, ठीक है, यानी प्राइमरी की के द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं रिकॉर्ड को यूनिकली, ठीक है। आप इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग टेबल में, इसके बाद दिस की कैन नॉट हैव रिपीटेटिव वैल्यूज एंड आल्सो कैन नॉट, इसमें वैल्यू रिपीट नहीं होता है और ब्लैंक भी नहीं रहता है, ठीक है, तो ये पहली चीज जो हम लोग कर सकते हैं। इसके आगे हम लोग आगे बढ़ते हैं, व्यू ऑफ टेबल, व्यूज ऑफ टेबल, व्यूज
ऑफ टेबल, ठीक है। डिजाइन व्यू एंड डेटा सीट व्यू आर टू व्यूज इन टेबल, एक डिजाइन व्यू होता है और एक डेटा सीट व्यू, दो होते हैं इसमें, ठीक है, टेबल में। लेट लर्न अबाउट डिटेल अबाउट देम। डिजाइन व्यू, डिजाइन व्यू क्या होता है? डिजाइन व्यू में आपका दिस व्यू ऑफ द टेबल अलाउ यू टू एंटर फील्ड नेम। इस व्यू में क्या कर सकते हैं आप? डिजाइन व्यू में, इसमें से आप डिजाइन व्यू में क्या कर सकते हैं? डिजाइन व्यू में आप क्या कर सकते हैं? This view of the table allows you to enter field name. इसमें आप field का नाम enter कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं? Their data type, और उसका data type क्या है? Data type अभी मैंने आपको बताया, उसका data type क्या है, वो किस data type से है, text है, number है, ठीक है, auto number क्या है वो आप कर सकते हैं, attachment है या calculated है, जो भी होगा उसमें कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं इसमें आप? And their data type एंड दियर डेटा टाइप्स एंड डिस्क्रिप्शन, और उसके डिस्क्रिप्शन करता है। इट आल्सो अलाउज यू टू सेट फील्ड्स प्रॉपर्टीज, और उसके प्रॉपर्टीज, ठीक है। देयर आर टू वेज इन द डिजाइन, इसके दो तरह होते हैं ये। इसमें होता है आपका फील्ड ग्रिड, क्या होता है? फील्ड ग्रिड, ठीक है। टू एंटर फील्ड नेम एंड दियर डेटा टाइप फील्ड ग्रिड पेन इज यूज, तो इसमें ये चीजें यूज कर सकते हैं, क्या क्या? दियर डेटा टाइप एंड फील्ड ग्रिड पेन, ठीक है। एंड ऑप्शनल डिस्क्रिप्शन कैन ऑल्सो बी गिवेन अबाउट ईच फील्ड इन दिस फील्ड, इसके दिए रहता है क्या? इसके डिस्क्रिप्शन दिया रहता है किसका? फील्ड का, ठीक है। इसके बाद आप में है फील्ड प्रॉपर्टीज भी, प्रॉपर्टीज उसका दिया रहता है। टू सेट द प्रॉपर्टी फॉर द फील्ड इन द टेबल फील्ड प्रॉपर्टीज पेन इज, ठीक है। तो इस चीज़ का यूज करके आप क्या कर सकते हैं? इसका का यूज करके आप उसके प्रॉपर्टीज को देख सकते हैं। अब इसके बाद एक डिजाइन व्यू था इसमें व्यूज टेबल में, अब दूसरा एक और है इसमें डेटा सीट व्यू, ठीक है। एक और है आपने क्या है? डेटा सीट व्यू। डेटा शीट का व्यू दिखेगा कि डेटा शीट दिखता किस तरह से, ठीक है, बुक में है आपके, देख लीजिएगा। टू एंटर डेटा इन अ टेबल, डेटा को क्या करेंगे? एंटर करेंगे टेबल में। द डेटा शीट व्यू इज यूज, डेटा शीट के यूज क्यों किया जाता है? डेटा को टेबल में एंटर करने के लिए। डबल क्लिकिंग द टेबल नेम, अगर आप टेबल का नेम जो लिखा रहता है उस पर डबल क्लिक करेंगे इन द डेटा शीट विंडो, यानी डेटा शीट विंडो के अंदर विल बी ओपन द डेटा सीट व्यू, तो आपके पास क्या आएगा? डेटा सीट व्यू का विंडो ओपन होकर आएगा, ठीक है। यानी टेबल लिखा रहेगा उस पर आप क्लिक करेंगे तो डेटा सीट का विंडो ओपन होकर आएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपके ये व्यूज ऑफ टेबल। तो आज हम लोग यहाँ खड़े हुए हैं, यहाँ व्यूज ऑफ टेबल। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आप पढ़ेंगे इसको, आप लोग वीडियो को देखिएगा, अच्छी लगे तो आप लाइक कीजिएगा इसको, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे। टिल देन कीप वॉचिंग वीडियो, कीप स्टडिंग, स्टे होम, थैंक यू।